बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में घुमारवीं के पनियाला के युवक श्यामलाल ने पुलिस प्रशासन पर दूसरी पार्टी के साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है, लेकिन पुलिस के पास जब वे न्याय लेने की आस से पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने न सिर्फ उन्हें डराया धमकाया बल्कि मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि वे मानसिक तौर पर पुलिस की ज्यादतियों से परेशान हो चुके हैं, यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे सार्वजनिक तौर पर आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की होगी। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में घुमारवीं के पनियाला के युवक श्यामलाल ने पुलिस प्रशासन पर दूसरी पार्टी के साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है, लेकिन पुलिस के पास जब वे न्याय लेने की आस से पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने न सिर्फ उन्हें डराया धमकाया बल्कि मारपीट भी की। उन्होंने कहा कि वे मानसिक तौर पर पुलिस की ज्यादतियों से परेशान हो चुके हैं तथा यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वे सार्वजनिक तौर पर आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इस शिकायत की प्रतिलिपियां उन्होंने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार और डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेषित कर दी हैं। पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद श्यामलाल मीडिया कर्मियों के साथ एसपी बिलासपुर के कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसएसपी अशोक कुमार ने बड़े इत्मीनान से पीड़ित व्यक्ति श्यामलाल की शिकायत सुनी तथा मीडिया के समक्ष पूरी शिकायत का फलोपन भी किया। पुलिस प्रशासन ने जो मेरे साथ मारपीट हुई उसकी मैं कंप्लेंट देने के लिए घुमारवीं पुलिस थाना में गया था, तो शेर सिंह एसएचओ ने दूसरी पार्टी से पैसा खा के मेरे को अरेस्ट किया गया, मेरे साथ मारपीट गई, जिसके देख लो मेरे अंगूठे की हड्डी उन्होंने ही तोड़ी हुई है, और इतनी मारपीट की गई कि मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरे माँ बाप के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज के साथ बात की गई कि जिसके कोई सीमा नहीं है। और जो सेकंड पार्टी है उसमें विजय यादव और विजय कुमार जो यूपी के हैं, अक्षित कुमार, गोविंद राम, रूपा देवी, मुकेश कुमारी, इन सब ने मेरे साथ मारपीट की और पुलिस प्रशासन ने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन सारा घुमारवीं के पुलिस थाने के सब कुछ लोग जो मेरे घर पर गए थे मिले हुए हैं, पैसा खाया हुआ है उन्होंने। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि उनके पास जो श्यामलाल की शिकायत आई थी उसमें पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती का कोई विवरण नहीं है, जबकि जो पति और पत्नी के बीच मन मुटाव चल रहा था के बारे में शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा की गई जांच से भी अवगत करवाया गया। श्यामलाल ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है तथा इस बाबत थाना घुमारवीं में न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल ने उनके साथ मारपीट की और इतना अभद्र व्यवहार किया कि जिस कारण मानसिक तौर पर परेशान है। उन्होंने कहा कि जब थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उनके घर आए तो उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एसएसपी बिलासपुर को जांच प्रभारी बनाया गया है तथा शीघ्र ही मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। देखिए, श्यामलाल जी की जो शिकायत हमने ध्यान से सुनी है, दो उस पर पहले भी कार्रवाई हुई है, पर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि एडिशनल एसपी इनकी वापस फिर सभी तथ्यों को दोबारा से जांच करेंगे और री इंक्वायरी करेंगे। साथ साथ ये भी आदेश दिया गया है कि इनके इंक्वायरी करते वक्त जो भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे उसमें इनके कोई अपने पसंद के एक गवाह साथ में रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की शक की कोई गुंजाइश ना हो। बिल्कुल, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पाई गई या किसी भी पुलिस कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।